विकास यात्रा को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित, कहा ये भाजपा की विकास यात्रा नहीं निकास यात्रा है। श्योपुर शहर के पाली रोड पर स्थित होटल कूनो पैलेस में कांग्रेस जिला कमेटी द्वारा भाजपा की विकास यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अतुल चौहान ने संबोधित किया, जहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश में जारी भाजपा की विकास यात्रा पर कटाक्ष कसते हुए कहा कि विकास यात्रा नहीं है, मध्य प्रदेश में भाजपा की निकास यात्रा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 6 माह बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, देखिए विकास यात्रा को लेकर कुछ बोले कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत-बहुत स्वागत। आज हमारी पत्रकार वार्ता पूरे प्रदेश व्यापी है। जिला मुख्यालय पर हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में ये पत्रकार वार्ता आयोजित हो रही है। और आप सबको याद है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-17 दिन से विकास यात्रा निकाल रही है पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर। आज हम कांग्रेस की तरफ से माननीय कमलनाथ जी इस पूरे इस पर जवाब मांग रहे हैं कि जो ये विकास यात्रा निकाली जा रही है मध्य प्रदेश में, ये विकास यात्रा है क्या? ये विकास यात्रा जब निकली है तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, इस विकास यात्रा के अंदर आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की 195 महीने का हिसाब माननीय शिवराज सिंह जी को देना था और 215 महीने की पूरी सरकार उनकी भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। और लूट से पिछले 3 साल में उन्होंने जो सरकार माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार गिराकर बनाई थी और जो वादे किए थे उन वादों पर कहीं भी खड़ी नहीं उतरी है। और आज आपने सबने देखा होगा, क्योंकि आप सब श्योपुर से ही है, कि जो विकास यात्रा जा रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट की भूमिका में श्योपुर का जिला प्रशासन लग रहा है। पूरे सरपंचों पर, पूरे सचिवों पर, पूरे रोजगार सहायकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किस तरह से सरकार के पैसे का इसमें दुरुपयोग किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने साफे बंधवा करके वही काजू बिस्मिस खा रहे हैं जा करके, वही उन्हीं सरकारी पैसे का खाना बनवा करके खा रहे हैं जा करके, आंगनबाड़ी और तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं की सरकारी भीड़ वहाँ पर लगाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने श्योपुर में देखा होगा कई जगह पर इस यात्रा का विरोध हुआ है। लोगों ने मांगा है कि हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास शौचालय नहीं है, हमारे पास प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जो शहर के अंदर 2.5 लाख रुपए दिया जा रहा है उसके बदले में उन्हें 1,20,000 दिया जा रहा है, जबकि सारी चीज़ों की रेटें बढ़ चुकी हैं 1,35,000। और तमाम वो चीज़ें जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। और श्योपुर में जो भ्रष्टाचार किया गया है उसका जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से मदमस्त हो रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि किस तरह से पकड़ाव का कला में बैठे हुए थे, वहाँ के नेता काजू बिस्मिस खा रहे थे, लेकिन वहाँ पर जनता उनसे पानी मांग रही थी और वो कह रहे थे हम बाद में दिखाई देंगे। तो ये सब बातों को लेकर के आज हमने पत्रकार वार्ता आयोजित की है। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी जो लगातार कमलनाथ जी से जवाब मांग रहे हैं, जो जवाब उनको स्वयं को देना चाहिए, आज सरकार में 3 साल में वो है, उसके बावजूद भी वो कमलनाथ जी से जवाब मांग रहे हो। कमलनाथ जी 15 महीने का हिसाब देने को तैयार है। वो तो कह रहे हैं कि कहीं पर भी खड़े हो जाओ, चौराहे पर किसी जगह मंच लगा लो, शिवराज सिंह से बात करने को तैयार है। लेकिन शिवराज सिंह अपने फूटे वादों को निकाल